Hello everyone, hope you all are doing well in your study and in your career. I am Dr. Mansi Shah, physiotherapist, welcoming to our YouTube channel. So let's begin with our today's topic. Fracture of radius. Forearm में दो bone होती है, ulna and radius. Radius में most commonly fractures जो देखने को मिलते हैं, वो आज हम इस topic में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन. फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस विद द डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. सो इसमें डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर होगा, जिसकी वजह से जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन होगा. ये भी दो टाइप्स के हैं, वॉलर गैलेक्सी फ्रैक्चर एंड डॉर्सल गैलेक्सी फ्रैक्चर. द गैलेजी फ्रैक्चर इज नेम आफ्टर रिकार्डो गैलेजी who was the Italian surgeon. जो दो टाइप्स है गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन के, उसमें वोलर फ्रैक्चर एंड डॉर्सल गैलेजी फ्रैक्चर. ये नाम किसके ऊपर से दिए गए हैं? तो जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन हो रहा है उसकी वजह से ये नाम दिए गए हैं. वोलर गैलेजी फ्रैक्चर में जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसका डिसलोकेशन वॉलर यानी पामर साइड हो रहा है, और डॉर्सल गैलेक्सी फ्रैक्चर में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन डॉर्सल साइड यानी पोस्टीरियर साइड हो रहा है. साइंस एंड सिम्टम्स. पेन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आर प्रेजेंट एट द डिस्टल थर्ड रेडियल फ्रैक्चर साइट. जहाँ पे फ्रैक्चर साइट है वहाँ पे पेन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग या इंफ्लामेशन देखने को मिलेगी. फोरआर्म ट्रॉमा मे बी एसोसिएटेड विद द कंपार्टमेंट सिंड्रोम. गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन आर समटाइम्स एसोसिएटेड विद रिस्ट ड्रॉप ड्यू टू इंजरी टू रेडियल नर्व, एक्सटेंसर टेंडन और मसल्स. दिस इंजरी इज कन्फर्म्ड ऑन रेडियोग्राफिक इवोल्यूशन. यानी ये इंजरी हम एक्सरे से कन्फर्म कर सकते हैं. This X-ray shows us the Galesi fracture dislocation. Pathophysiology. The etiology of the Galesi fracture dislocation is thought to be a fall that causes an axial load to be placed on the hyperpronated forearm. जब पर्सन गिरता है तब उसका हाथ अगर हाइपर प्रोनेशन में है तो उसका एक्सियल लोड रेडियस पे आएगा, जिसकी वजह से रेडियस का फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन. हाउएवर रिसर्चर्स हैव बीन अनेबल टू रिप्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन अ लेबोरेटरी सेटिंग्स. ट्रीटमेंट. माइनर इंजरी ट्रीटेड विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स. अगर इंजरी बहुत ही कम हुई है तो हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी स्लिंग्स या एक्सटर्नल सपोर्ट देके फिक्स कर सकते हैं. मेजर इंजरीज ट्रीटेड विद ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन. अगर इंजरी बहुत ही ज़्यादा हुई है तो उसको हम इंटरनल फिक्सेशन की के साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट करेंगे, लाइक स्क्रूइंग, प्लेटिंग, नेलिंग. नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इन अडल्ट यूजुअली रिजल्ट इन रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल अल्ना एंड बैड आउटकम. जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विथ स्लिंग और एक्सटर्नल सपोर्ट, सो उससे कभी कभी रॉन्ग पोजिशन में यूनियन हो जाता है या उसके डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसके बैड आउटकम्स हमको मिलते हैं. सर्जरी इज डन बाय वॉलर प्लेट फिक्सेशन फॉलोड बाय असेसमेंट ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट. इफ जॉइंट इज स्टेबल स्प्लिंट द फोरआर्म इन सुपिनेशन फॉर 6 वीक. अगर जॉइंट स्टेबल है
तो उसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे विथ स्प्लिंट इन फोरआर्म सुपिनेटेड फॉर 6 वीक्स. इफ द ज्वाइंट इज अनस्टेबल तो रिड्यूस एंड पिन द डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट इन सुपिनेशन फॉर अबाउट 4 वीक्स. अगर ज्वाइंट अनस्टेबल है जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते तो उसका हम ओपन रिडक्शन करेंगे और 4 वीक्स तक रखेंगे. इफ द ज्वाइंट इज नॉट रिड्यूसिबल ओपन एंड एक्सप्लोर द ज्वाइंट. नाउ सेकेंड है कॉलेज फ्रैक्चर. अ फ्रैक्चर अकरिंग इन अडल्ट एट डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विद द डॉर्सल टिल्ट एंड अदर डिस्प्लेसमेंट. कॉलेज फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली अडल्ट में देखा जाता है और ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस नियर रिस्ट ज्वाइंट होता है. इसमें जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है उसका डॉर्सल टिल्ट यानी पोस्टीरियर साइड टिल्ट होगा एंड अदर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं. इट इज कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड विद द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ रिस्ट. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि पर्सन कैसे गिर रहा है जिसकी वजह से उसको कॉलेज फ्रैक्चर हो रहा है, जिसमें डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है. इट इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल फोरआर्म इन विच द ब्रोकन एंड ऑफ द रेडियस इज बेंट बैकवर्ड. सिम्टम्स में इंक्लूड पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी एंड ब्रूइशिंग. कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड डैमेज टू द मीडियन नर्व. रिस्क फैक्टर इंक्लूड ऑस्टियोपोरोसिस. द डायग्नोसिस में बी कन्फर्म्ड विथ एक्सरेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिनाफोक डिफॉर्मिटी. इसमें हमको डिनर फॉक अपीयरेंस देखने को मिलेगा. जो यहाँ पे डिनर फॉक का अपीयरेंस है कर्व, यहाँ पे भी हमको वो कर्व प्रेजेंट मिलेगा. इसलिए कॉलेज फ्रैक्चर को डिनर फॉक डिफॉर्मिटी भी बोला जाता है. जहाँ पे डिस्टल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट डॉर्सली टिल्ट होता है और प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट एंटीरियर टिल्ट होता है. नाउ थर्ड है स्मिथ्स फ्रैक्चर. अ फ्रैक्चर अकरिंग इन अडल्ट्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विद द वेंट्रल टिल्ट एंड अदर डिस्प्लेसमेंट. मोस्ट कॉमनली अडल्ट में देखा जाता है एंड डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में देखा जाता है. कॉलेज में भी सेम था, अडल्ट में देखा जाता है एंड डिस्टल एंड ऑफ रेडियस में फ्रैक्चर होता है. बट यहाँ पे वेंट्रल टिल्ट हो रहा है फ्रैक्चर फ्रैगमेंट का और कॉलेज फ्रैक्चर में डॉर्सल टिल्ट होता है, इसलिए इसको रिवर्स कॉलेज भी बोला जाता है. इट इज कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट ब्लो टू द डॉर्सल फोरआर्म और फॉलिंग ऑन टू फ्लेक्स टू रिस्ट. स्मिथ फ्रैक्चर फ्लेक्स्ड रिस्ट के साथ गिरने की वजह से होता है और कॉलेज फ्रैक्चर डॉर्सिफ्लेक्शन रिस्ट के साथ गिरने की वजह से होता है. जहाँ पे डिस्टल फ्रैगमेंट एंटीरियर साइड टिल्ट होता है. क्लासिफिकेशन. कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर इज द फ्रैगमेंट क्लासिफिकेशन. टाइप 1 एक्स्ट्रा आर्टिकुलर. टाइप 2 टाइप 1 विथ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल अल्ना, मतलब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर विथ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल अल्ना. टाइप 3 रेडियो कार्पल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट. टाइप 4 टाइप 3 विथ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल अल्ना. टाइप 5 डिस्टल रेडियो अल्ना ज्वाइंट इन्वॉल्व. टाइप 6 टाइप 5 विथ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल अल्ना. टाइप 7 रेडियो कार्पल एंड डिस्टल रेडियो अल्ना ज्वाइंट बोथ इन्वॉल्व.
Type 8. Type 7 with fracture of distal ulna. Smith fracture is also known as garden spade deformity. The biggest concern is malunion of the wrist. इसमें ये ध्यान में रखा जाता है कि जो फ्रैक्चर है वो डिफरेंट पोजीशन में यूनाइट ना हो, जिसकी वजह से माल यूनियन हो सकता है. देर आर ऑल्सो हायर रिस्क ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इन पेशेंट विद प्रीवियस स्मिथ फ्रैक्चर. कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम कैन बी रिपोर्टेड. डिफरेंस बिटवीन कॉलेज फ्रैक्चर एंड स्मिथ फ्रैक्चर. सो कॉलेज फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है एंड स्मिथ फ्रैक्चर में जो डिस्टल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है वो वेंट्रली टिल्ट होगा. सो कॉलेज फ्रैक्चर में एंटीरियर टिल्ट. सो कॉलेज फ्रैक्चर में एंटीरियर साइड कर्व ज्यादा देखने मिलेगा और स्मिथ फ्रैक्चर में पोस्टीरियर कर्व ज्यादा देखने मिलेगा. नाउ फोर्थ वन इज बार्टन्स फ्रैक्चर और मार्जिनल फ्रैक्चर. इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स थ्रू द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस टेकिंग अ मार्जिन एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑफ द डिस्टल रेडियस विद द कार्पल्स डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली और पोस्टीरियरली. बार्टन फ्रैक्चर इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर और जो कॉलेज फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर थे वो थे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर. यहाँ पे एक मार्जिन यानी एक पोर्शन फ्री हो जाता है रेडियस के इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस से, जिसको बोलते हैं मार्जिनल फ्रैक्चर. कॉलेज और स्मिथ फ्रैक्चर में डिस्टल रेडियल शाफ्ट का फ्रैक्चर हो रहा था, यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस ऑफ डिस्टल रेडियस का एक मार्जिन फ्री हो रहा है. ये भी दो टाइप्स के हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल. इट इज नेम्ड आफ्टर जॉन रिया पार्टन, अमेरिकन सर्जन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस इन 1838. The Barton's fracture is caused by a fall on an extended and pronated wrist, increasing carpal compression force on dorsal rim. जब person extended and pronated hand के साथ गिरता है तब carpals पे compression force आता है, जिसकी वजह से radius का fracture हो जाता है. This is two types of Barton fracture, dorsal and palmar. So, Waller Barton में जो fracture fragment है वो palmar flexion में होगा और anterior side dislocate होगा. Dorsal Barton में dorsal side fracture होगा और dorsiflexion में होगा, जिसमें posterior dislocation होगा. शॉफर्स फ्रैक्चर. शॉफर मतलब ड्राइवर. ये मोस्ट कॉमनली ड्राइवर्स में देखा जाता है. ड्राइवर्स जब गियर चेंज करते हैं तब उनके स्कैफोल्ड बोन पर कंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से रेडियस के स्टाइलोइड प्रोसेस पे कंप्रेशन आता है, फोर्स आता है और वो ब्रेक हो जाता है, वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको बोलेंगे शॉफर्स फ्रैक्चर. इट इज एन इंट्रा आर्टिकुलर ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस. द इंजरी टिपिकली कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ द स्केफोइड बोन ऑफ द हैंड अगेंस्ट द स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस. इट कैन बी कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन टू एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. It is also known as Hutchinson fracture. यहाँ पे हम स्टाइलर प्रोसेस का फ्रैक्चर देख सकते हैं.
So here we complete today's topic, fractures of radius, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, कॉलेज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, बार्टन्स फ्रैक्चर एंड शॉफर्स फ्रैक्चर। होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेरी है और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।